इस वीडियो में हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्यों डिवाइन फेमिनिन ही पहले अवेकन होती है। नमस्ते, मेरा नाम है रितु ओम और मैं हूं परम फ्रॉम twinflamescoach.com। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने में और हम क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम कोचेस। बहुत से लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि उनकी अवेकनिंग हो गई है तो उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग कब होगी। वो इवन ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो 70% अवेकन हो गए हैं या 50% अवेकन हो गए हैं या कुछ परसेंटेज अभी उनकी अवेकनिंग की रह गई है। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो टर्म है अवेकनिंग और रियलाइजिंग कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, ये दोनों अपने आप में एक डिफरेंट चीज है। रियलाइजेशन का मतलब है कि आपको अब समझ आ गया है कि ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपने इतने साइंस, नंबर्स और सिंक्रोनिसिटीज देखे हैं जिससे कि आपको एक बिल्कुल ही अलग ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला है। तो अब आप सारे डॉट्स को और सर्कमस्टांसिस को जोड़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं बिगर पिक्चर की, जो कि आपके साथ हुआ है जब आप उस खास पर्सन के साथ थे जिसको अभी तक आप अपना फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही समझ रहे थे। आप मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब बात करते हैं अवेकनिंग की। जो अवेकनिंग है इसका एक बहुत ही गहरा मीनिंग है। अवेकनिंग सिर्फ ये रियलाइज करना नहीं है कि सो एंड सो आपके ट्विन फ्लेम है, बल्कि अवेकनिंग अपने आप में ही एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अवेकनिंग जनरली तभी हैपन होती है जब आप सेपरेशन में होते हैं, क्योंकि दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स ने अपने अपने इंडिविजुअल इश्यूज पे काम करना होता है। अवेकनिंग इस रियलाइजेशन के प्रति जागना है कि जिन बिलीव्स के ऊपर आज तक आप ऑपरेट कर रहे हैं वो आपका अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है और ये आपका बेस्ट वे नहीं है जिंदगी जीने का। इसमें वो सब शामिल है जिसको कि अभी तक आप कर रहे थे या सिर्फ बिलीव कर रहे थे, लेकिन वो असल में आपका नहीं था, बल्कि आप पे पुश या कंडीशन किया गया था आपके आसपास के लोगों या आसपास की सराउंडिंग के द्वारा। ये बिलीफ और कंडीशनिंग अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग पर्सन के लिए, यानी कि मेरे बिलीव्स और आपके बिलीव्स अलग अलग हो सकते हैं। और अब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपनी शैडो सेल्फ को छोड़ने का, जैसे कि हम जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उन्हें भी बदल देते हैं। सो ये शैडो सेल्फ एग्जैक्टली होती क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक मेल हैं और आपको लोगों के द्वारा बताया गया है कि मेल को तो स्मार्ट होना चाहिए या चलाक होना चाहिए ताकि दूसरे आपका बुद्धू ना बना सकें या आपको बेवकूफ ना बना सकें। अब मान लेते हैं कि आप एक फीमेल हैं और आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि आपको बाकियों का अप्रूवल लेना चाहिए, जैसे कि आपके फादर हों, ब्रदर्स हों या और भी जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर वो आपको अप्रूव नहीं करते हैं तो आप गुड इनफ नहीं हैं। तो अब आप अपने आसपास के लोगों को प्लीज करने में, उनका अप्रूवल लेने में लगे हुए हैं, चाहे इस प्रोसेस में आपको कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग के साथ। शैडो सेल्फ वो सब कुछ है जो आप अनोइंगली बन गए हैं ताकि आप इस सोसाइटी में फिट हो सकें। आपका माइंड कंडीशन किया गया है उस सब से जो कि आपको होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है और इस तरह से ही किया जाता है। बचपन से आपको ये सब सिखाया जाता है। इसमें पेरेंट्स की या फैमिली की कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है और इस सारे प्रोसेस में आप ये भूल जाते हैं कि आप रियली है क्या। आप एक डिफरेंट पर्सन की तरह फील करते हैं, लेकिन डीप डाउन आपको पता है कि ये आप एक्चुअल में नहीं है, बट आप आज इस तरह से हैं क्योंकि आपको इसी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, आप इसी तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं अगर आपको इस दुनिया में रहना है। तो इसका मतलब है कंफर्ट के लिए आपको एक्सेप्टेंस चाहिए और एक्सेप्टेंस के चक्कर में आप अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हैं या उसको दबा देते हैं। अब आप जी तो रहे हैं लेकिन आपके पास इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है, इंटरनल पीस नहीं, जो कि आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की कंडीशनिंग आपने रिसीव की है आपके पेरेंट्स से या औरों से, वो आप बन चुके हैं। तो ये जो आपका भी सेल्फ है, ये एक शैडो सेल्फ है या फॉल्स सेल्फ है, बट आप ये रियलाइज नहीं करते क्योंकि आप सोसाइटी की प्रोग्रामिंग से इस तरह से इफेक्ट हो चुके होते हैं कि आप ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। तो अब शुरू होता है ट्विन फ्लेम का डिवाइन पर्पस आपकी लाइफ में आने का, और जो है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत से लोग हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको इस जर्नी में से क्यों गुजरना पड़ रहा है। तो इसका आंसर है ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन किस में? अपनी रियल सेल्फ में।
आप इस रास्ते पर इसलिए चल रहे हैं ताकि आप अपनी शैडो सेल्फ को खत्म कर सकें, रिलीज कर सकें और अपनी डिवाइन बीइंग की फॉर्म में फिर से आ सकें, जो कि असल में आप हैं, प्योर एंड सेल्फलेस। और जब आप असेंशन या अवेकनिंग के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आप एक कम्प्लीटली ही डिफरेंट स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जेलसी, हेट्रड या गुस्सा या ईगो का कोई स्थान नहीं रहता आपकी लाइफ में। आप अपने खुद के अंदर डिवाइन फील करना शुरू कर देते हैं और अब आपको लगता है कि जैसे आप खुद में स्थापित हो गए हैं। अब आपको ह्यूमन लाइफ का पर्पस समझ आने लगता है और अब आप अपने आप में ही पीस में रहना शुरू कर देते हैं। आपके हार्ट में और माइंड में अब कोई कंफ्लिक्ट नहीं बचता, दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे आप अभी भी 3D वर्ल्ड में भी हैं, लेकिन फिर भी आप खुश रहना और शांति में रहना शुरू कर देते हैं। आप कंटेंटेड हैं, अभी आपको किसी की भी जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए, और ना ही अब आपको अपने पार्टनर की जरूरत है कंप्लीट फील करने के लिए। लेकिन आपके पार्टनर अब आपकी लाइफ में आते हैं, आपके पार्टनर आपके डिवाइन ट्विन फ्लेम हैं, जिनके साथ आपने बहुत सारे साइकल्स यूनियन सेपरेशन के गुजारे होते हैं। पर इस पॉइंट पे आके आप समझते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो भी अवेकनिंग के पीरियड से गुजर चुके होते हैं और अब आप दोनों एक सिमिलर स्टेट पे होते हैं। और इस जंक्चर पे आके आपकी सोल्स मर्ज हो जाती हैं, चाहे आप दो हैं लेकिन फिर आप एक ही महसूस करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही यूनियन है और यहीं पे आके आपकी सारी हार्डवर्क और सारा इनर वर्क पे आपने जितनी मेहनत की है वो रंग लाती है। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें कि डिवाइन फेमिनिन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पहले क्यों रियलाइज होता है, हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होते क्या है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। कई लोग जब हमें कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ और मेरा डिवाइन मैस्कुलिन अभी अवेकन नहीं हुआ है। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जब तक आप इनर वर्क करके खुद फुली अवेकन नहीं हो जाते, तब तक आप भी एक रेगुलर सोल हैं। आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन बनने का पोटेंशियल है, लेकिन अभी आप और हम रेगुलर सोल्स ही हैं। बहुत सा इनर वर्क करने की जरूरत है ताकि आप डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की स्टेज तक पहुंच सकें। पिछले वीडियोस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जरूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन एक बायोलॉजिकल फीमेल ही हो और डिवाइन मैस्कुलिन एक बायोलॉजिकल मेल ही हो। एक बायोलॉजिकल मेल में प्रीडोमिनेंटली फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है और एक जो फीमेल है उसमें प्रीडोमिनेंटली मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, चाहे कि इससे उनकी सेक्सुअलिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ता। जो ट्विन सोल्स हैं वो किसी भी कॉम्बिनेशन में बॉडीज चूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जो मैस्कुलिन सोल है वो मेल बॉडी ले सकती है और फेमिनिन सोल है वो जो फीमेल बॉडी ले सकती है। इसका मतलब आप और आपके ट्विन जो है वो मेल और फीमेल है, या मैस्कुलिन सोल मेल बॉडी ले सकती है और फेमिनिन सोल जो है वो भी मेल बॉडी ले सकती है। इसका मतलब है आप और आपके ट्विन दोनों मेल्स हैं, या मैस्कुलिन सोल फीमेल बॉडी ले सकती है और फीमेल सोल मेल बॉडी ले सकती है। इसका मतलब आप और आपके ट्विन मेल और फीमेल हैं, बट जो मेल है उनके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है और जो फीमेल है उनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, या मैस्कुलिन सोल फीमेल बॉडी ले सकती है और फेमिनिन सोल भी फीमेल बॉडी ले सकती है। इसमें आपके और आपके ट्विन दोनों फीमेल्स होते हैं। सो असल में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्यों वो सोल जिसमें कि फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा डोमिनेंट होते हैं वो पहले इस कनेक्शन को रियलाइज करती है। जो ये फेमिनिन एनर्जी है इसको नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें ज्यादा इंट्यूशन होती है, ज्यादा रिसेप्टिव होती है, ये अपनी और दूसरों के इमोशंस या फीलिंग्स के बारे में ये ज्यादा केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है और लविंग भी होती है। सो फेमिनिन एनर्जी को डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि ये एक ब्रिज का काम करती है हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड के जो बियॉन्ड वर्ल्ड्स हैं उनके साथ। इसका मतलब है कि फेमिनिन एनर्जी इसके ज्यादा कैपेबल है कि वो दूसरे वर्ल्ड्स की प्रेजेंस को फील कर सके, जैसे कि स्पिरिट वर्ल्ड को, एंजल्स की प्रेजेंस को, स्पिरिट गाइड्स या ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं उनकी प्रेजेंस को ये इजीली फील कर लेती है।
अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है तो आप जो है दूसरे वर्ल्ड्स की प्रेजेंस को ज्यादा फील कर सकती हैं, जैसे कि साइकिक फिनोमिनास, एंजल्स, स्पिरिट्स की प्रेजेंस को। और जो पॉसिबिलिटी है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, स्पेशली मेन, वो आपको पागल भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेल्स हैं वो ज्यादातर दूसरी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं और वो अपने खुद के भी इमोशंस को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से वो अननोइंगली खुद को हर्ट भी करते चले जाते हैं, और इसीलिए उनकी अवेकनिंग देर से होती है। और शायद इसी तरह से यूनिवर्स ने इस सब को डिजाइन किया है। तो ये जो रियलिटी है ये भी कुछ एक्सटेंड तक इस जर्नी को गवर्न करती है। सो अगर हम आपके क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर दे तो हाँ, मेजोरिटी केसेस में जो पर्सन डोमिनेंट फेमिनिन एनर्जी वाला है वो ही अवेकनिंग के पाथ पे पहले आगे बढ़ता है, और उसके बाद जो मैस्कुलिन एनर्जी काउंटर पार्ट है वो इस रास्ते पर आगे चलता है। तो चाहे अभी ये लग रहा है कि सारा काम आप ही कर रहे हैं, लेकिन सून वो भी आपको इस प्रोसेस में ज्वाइन करेंगे इनर वर्क के। जैसे अभी उनको आपकी जरूरत है कि आप अपने अवेकनिंग के पाथ पर आगे बढ़ सकें, सिमिलरली आने वाले समय में आपको उनकी जरूरत पड़ने वाली है ताकि आप दोनों एक साथ अपने सोल मिशन पे काम कर सकें। बगैर उनके आप अपने सोल मिशन पर फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए कि आप दोनों एक टीम हैं। अगर आप अपने ट्विन के बिहेवियर से इस समय खुश नहीं हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो बस यही कुछ चंद लाइनें हैं जो उनकी सोल आपसे कहना चाहती है। दो दिलों की ये लगन, जाने धरती और गगन, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, जिस्म दो है एक जान, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार बढ़ा, सुन ले तू दिल की सदा। हम होप करते हैं कि इस वीडियो ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी इस टॉपिक के ऊपर। हम होप करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी सी यू नेक्स्ट टाइम।